वाला। चौरसिया ज्यादा दुबे के लिए पान लगाना, मेरे लिए एक सिगरेट। कोई गोली न चलाए, डॉन मुझे जिंदा चाहिए। चलो डॉन, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसका मतलब तुम यहाँ मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सुनो बे, आज से आके दादा हम है हम। पहले मुझसे गलती हो गई, ऐसा नहीं होगा। तू मेरे खिलाफ बगावत करेगा? तेरे इतने पर निकल आए। मालिक मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। बचाओ। मर गया हरामखोर साला, उठा के भट्टे में झोंक दो।
ऐसा गोली मारे हैं, अले का गार तो फटा ही फटा, पैंट में हक दिया। अरे बैठो बैठो, ये लो भांजे, इसी की कमी थी ना। चिड़िया और दाने का इंतजाम करो, अब वक्त आ गया कबूतर। मंत्री और नेताओं से मिलने लगा, फिर चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो, वो अपने संबंध सबसे बनाकर चलता था, क्योंकि विकास को मालूम था अगर गैर कानूनी काम करना है तो नेताओं से संबंध बनाकर चलना होगा। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम प्रणाम, और क्या हाल चाल है दुबे जी? जी सब बढ़िया है मंत्री जी, जीत की बधाई है मंत्री जी। धन्यवाद, बैठिए दुबे जी, और बताएं क्या हो रहा है दुबे जी? कुछ खास नहीं मंत्री जी। और दुबे जी कैसे हैं आप? जी मंत्री जी, आपकी कृपा है। अरे नहीं मंत्री जी, लीजिए लीजिए दुबे जी, पार्टी हमारा है और आप लेंगे नहीं, लीजिए लीजिए, मजा ही नहीं आएगा दुबे जी। यस। चलते हैं मंत्री जी। मंत्री जी वो तो सब ठीक है, लेकिन पुलिस से कैसे निपटा जाए? उसकी चिंता तुम ना करो, पुलिस से हम निपट लेंगे। बस मेरा एक छोटा सा काम कर लो, हो जाएगा। और हथियार जितना चाहे हम तुम्हें देंगे, बस काम हो जाना चाहिए। चुन चुन की गांड पे गोली मारो सबकी। वैद, अरे मामा ये छोड़ो यार, आपके लिए ये स्पेशल गन लेके आए, 20 मीटर दूर से आदमी खत्म। बहुत बढ़िया भांजे, आप ही के लिए तो सब कर रहे हैं। मामा हमें पूरे कानपुर पे कुमत करनी है। मंगाओ, तुम चिंता मत करो भांजे, पूरे कानपुर की कौन कौन खिल दूंगी। रास्ता इधर बंद है, इधर से आप चले जाइए। वो निकल चुका है भाई। यहाँ तो रास्ता बंद है। ए कहाँ 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 उसे चले आ रहे हो? ये तुम्हारी अम्मा का कोठा नहीं जो अंदर चले आ रहे हो? दुबे जी को बुलाइए। क्या काम है बताइए थानेदार जी? दुबे जी
शेर साहब ने आपको पूछताछ के लिए बुलाया है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। चलते हैं, थोड़ी बात कर लें, आपके साथ चलते हैं। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते नमस्ते, और कैसे हो दुबे जी? सब बढ़िया है। अरे थानेदार जी आए हुए हैं, किसी का बराबर लूट गया है, हम उससे पूछताछ के लिए आए हैं। देखिए जरा क्या कष्ट रहे इनको। जी जी थानेदार जी, बज रहा है आपका, उठा लीजिए। जैन सर, सर 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 जी 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 सर। अरे ओ थानेदार साहब, चाय तो पी लीजिए। है क्या हुआ मामा, दुकान लूटने का इरादा है क्या? लूटने का नहीं, क्यों ना भांजे दुकानें ले ली जाएं। पर मामा, वो अपनी दुकान हमें क्यों देगा? उस वाला देगा कैसे नहीं, देना पड़ेगा, और नहीं देगा तो गोली खाएगा तब देगा। वैसे है किसकी दुकान है पता करो जरा। अरे ये दुकान है वो जो अपने मास्टर साहब है सिद्धेश्वर पांडे, अरे वही जिनसे आप पढ़े हो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो साला स्कूल बना के इतना मार छाप दिया। क्यों भांजे, फिर तो मिलना पड़ेगा मास्टर जी से। कहाँ मिलेंगे मास्टर जी? स्कूल तो बंद चल रहा है मामा, पंचायत घर में मिलेगा। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते, आपको अंदर आने की इजाजत किसने दी? हमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं मास्टर जी, लेकिन हाँ जब हम अंदर आ जाते हैं ना तो लोग खुद हमसे परमिशन लेकर बाहर जाते हैं। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। महोदय सविनय निवेदन यह है कि आपके विद्यालय के जो बाहर की दुकानें हैं वो अब हमें चाहिए। अब आपको सोचना यह है कि वो आप कैसे देने का कष्ट करेंगे। दुबे तुम्हारी गुंडागर्दी आने चलने वाली, तुम जैसे सड़क छाप गुंडों से मुझे अच्छी तरह निपटना आता है, तुम ही अपनी गुंडागर्दी ना कहीं। अरे तेरी भाषा तो सब समझते हैं, इतनी देर से हम मास्टर जी को समझा रहे थे समझ ही नहीं रहे थे, तूने एक लफ्ज क्या बोला मास्टर जी चुप ही हो गए। मास्टर जी, ओ मास्टर जी, लगता है बिना बाय बोले ही चले गए मास्टर जी तो निकल लिए। राम राम मास्टर जी। सुन मुंशी, कल घर 20 ट्रक ईटा पहुंच जाना चाहिए, वरना तो अपने घर नहीं पहुंचेगा, समझा? चल निकाल जितना माल है। सिद्धेश्वर पांडे की हत्या के बाद उसका दबदबा तेजी से बढ़ने लगा, यहाँ तक कि लोग उसका नाम सुनकर ही कांपने लगते थे, और उसके नाम को खौफ इस कदर बढ़ गया कि लोगों की जमीनें उनसे जबरदस्ती लिखाने लगा।
माता के सामने। कानपुर पुलिस डिपार्टमेंट में काउंटर स्पेशली डीएसपी सूर्या ने ड्यूटी ज्वाइन की है, तब से चोरों बदमाशों में मची खलबली। वेलकम टू कानपुर सर, आपकी बहुत तारीफ सुनी है सर, आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। थैंक यू, यहाँ के लोकल लीडर तहसीलदार से मिलना चाहूंगा, मीटिंग अरेंज करो और जितने भी पेंडिंग केसेस फाइल हैं मेरे टेबल पर रखो। एक आदमी पे इतने सारे केसेस, इसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? सर प्रयास तो हमने कई बार किए हैं, लेकिन उसका बड़े बड़े नेताओं साथ उतना बैठना है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। जानते हो ये यहाँ पर अक्सर सिगरेट पीने के लिए आया करता है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ सिगरेट पीने के जाते हैं, किसकी जरूरत है? चलिए हटिए कस्टमर ने। सर ये ऐसे नहीं मानेगा। लग तो रहा है। बताता हूँ। आप मिश्रा को इसकी जानकारी मिश्रा को होगी, मिश्रा को पकड़ लीजिए, उत्तर मिल जाएगा आपको। सर यहाँ नहीं है। बता दुबे कहाँ है? नहीं सर मुझे कुछ नहीं पता है। अभी पता चल जाएगा। पुलिस को देख के मुर्दे भी सच बोलते हैं, तुम तो फिलहाल अभी जिंदा हो। नहीं सर मुझे कुछ नहीं पता है, वो तो एक साल से यहाँ नहीं आया है। ये बैग किसका है? मेरा है सर। साहिब
साहिल, ये भाई साहब का बैग चेक करना, कुछ मिले तो बताना। सर, अस्सलाम। इसका लाइसेंस है तुम्हारे पास? साहब, ये तो आपका है, हमारा नहीं है साहब। क्या हमने तुम्हारे बैग में रखा है? क्यों, हमने रखा है? नहीं सर। साहब साहब, मजाक क्यों कर रहे हैं साहब? अरे इसमें मजाक की क्या बात, बैग आपका तो असला भी आपका, वेरी सिंपल। बैठिए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। जो तुम्हारे बैग से गैर कानूनी असला मिला है, इसके लिए हम तुमको गिरफ्तार भी कर सकते हैं और जेल भी भेज सकते हैं। धारा 25। हाँ सर, धारा 25, इलीगल आर्म्स एक्ट के तहत। मतलब 5 से 10 साल की सजा, और जो थाने में लोग मिलेंगे ना, मार मार के पिछोड़ा सुझा देंगे। बताओ, जेल जाना चाहते हो या दुबे को फोन लगाओगे? हेलो भैया, नमस्ते वकील साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठिए अमर जी। सनी, एक चाय ले आना। आप कुछ भी करिए, कल तक भैया की बेल हो जानी चाहिए। और पैसे की चिंता आप बिल्कुल मत करिए, जितना आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा। बेल तो हम करा देंगे, लेकिन कोई भी गवाह कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए। उसकी चिंता आप मत करिए वकील साहब। चाहिए जाओ और मेरे खिलाफ जितने भी गवाह हैं उन सब का मुंह बंद कर दो, और उनको ऐसी मौत दो कि आज के बाद कोई हमारे खिलाफ गवाही देने की सोचे भी तो उसकी गाड़ फट के हाथ में आ जाए। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम विकास दुबे के खिलाफ कोई भी गवाह और सबूत न मिलने के कारण विकास दुबे की बेल मंजूर की जाती है। देखा पंडित जी, हमारा कमाल, कैसे चुटकियों में मैंने बेल कराई। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका। अमर जी भैया, वकील साहब का मुंह मीठा कराइए। ठीक है, आइए वकील साहब। भैया, आपके आने की खुशी में एक छोटा सा पार्टी रखे हैं करण भैया, चलिए कुछ नाच गाना हो जाए। चलिए। उठाइए ना, उठाइए। आओ बैठो। अरे भैया आप चलिए, हम थोड़ा जीएफ से मिलके आते हैं, कॉल आ रहा है उसका। साले लौंडिया बाज, जाओ पर उसके चक्कर में बकरी मत बन जाना।
दुबे जी, अगर मेरी मानो पुलिस और अगर जेल जाने से बचना है तो इस बार आप इलेक्शन की तैयारी कीजिए। इलेक्शन और हम, वकील साहब इलेक्शन तो हम लड़ जाएं, लेकिन क्या पक्का कि हम ही जीतेंगे? देखिए दुबे जी, जीतता वही है जो लड़ता है, और जो लड़ेगा नहीं वो जीतेगा कैसे? और वैसे भी इस कांड के बाद आपका इस शहर में बहुत दबदबा हो गया है। क्यों अमर, लड़ जाए इलेक्शन? जी भैया, वकील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है फिर, लोगों को खबर कर दो इस बार इलेक्शन में हम खड़े हो रहे हैं। हम भी तो चखे राजनीति का थोड़ा स्वाद। आओ गुड स्वामी, बैठो। मंत्री जी, आपने सुना नहीं, इस बार विकास इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। कौन विकास? अरे अभी जो पंचायत घर में मर्डर हुआ था, सिद्धेश्वर पांडे, अरे प्रिंसिपल साहब का, वो उसी ने तो किया था। अच्छा, एक दो मर्डर क्या कर लिया, हमें आपको बहुत बड़ा गुंडा समझने लगा। हमारे सामने खड़ा होगा। सुनो, इलेक्शन में खड़े हो रहे हो? हाँ तो सुनो भाई, इलेक्शन में हम खड़े हो, इसका मतलब समझते हो? चुनाव हम जीत चुके हैं। माँ की गाली मत देना मंत्री जी। भोसड़ी के चाहे माँ की गाली दे या बाप की, ये हमारा इलाका है। भोसड़ी के हाथ से डेफिनेट एक फोटो भेजे तुम्हारे पास, एक पंछी को ज्यादा ही ऊंची उड़ान उड़ रहा है, इसके पर कतर दो। क्या हो रहा है, अंताक्षरी खेली जा रही है, चलो हटो। अरे जल हट साले, यहाँ बैठे छुटभैया नेता छोटे छोटे बच्चों के साथ नेतागिरी करते हो, अबे अपने क्षेत्र में जाओ, थोड़ा मोटिवेशन दो लोगों को। और कल रात वहाँ थे? सिनेमा देखने गए थे। कौन सा सिनेमा? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। का हो दुबे जी? का बे भोसड़ी के, कश्मीरी सेब खाओगे? कश्मीरी सेब डालो अपनी गांड में, चलो निकलो। अरे बहुत सारा आतंकवादियों को पाल पोस के बड़ा किया, ये लीजिए खाइए। भोसड़ी के मातर दुबे की जान। मुझे मारेगा तू? पहले मुझ पर इलेक्शन ना खड़े होने के लिए धमकी दी गई। जानलेवा हमला हुआ। आई आई थी मंत्री जी भाई। और मंत्री जी कैसे आना हुआ? ये हमारा ही मैटर है। तुम्हारी जान जाने वाली थी आज, हमने रोक लिया, हमने कहा रुको कुछ दिन बाद जाना। चलो धन्यवाद दो हमारा। तुमको समझाया था ना भोसड़ी के, ये जो अपनी नेतागिरी है करो, क्षेत्र में जाके करो, हमारा आशीर्वाद है, बहुत आगे तक जाओगे, वरना जो नेतागिरी है ना दो मिनट में तुम्हारी गांड में डाल देंगे, समझे? पॉपकॉर्न खाए हो कभी? जानते हो कैसे बनता है? मकई को कढ़ाई में डाल के उसे भुना जाता है, वो बहुत आवाज करता है, जानते हो क्या है? काश कि उसकी फट रही होती है। अरे
तुम सब साले पुलिस वाले ना मार दो। तुम पुलिस वालों के पास बंदूक तो है, गोली में लोहा नहीं। पुलिस वाले की गोली में इतना लोहा है कि एक बार ठोक दी ना तो पूरी जिंदगी तेरे खून में आयरन की कमी नहीं होगी। जो मरा वो मेरा भाई था, इसका बदला लेके रहेंगे।